गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड माय डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन आई एम हियर फॉर द हिंदी सेशन। चिल्ड्रन, आज मैम आपको वो सारे व्यंजन एक बार फिर से बताएंगी, दिखाएंगी जो मैम ने आपको राइटिंग सिखाई है जिन व्यंजन की। ठीक है, तो चलिए आप इधर देखिए एक बार। सबसे पहले मैम ने आपको सिखाई थी ट की राइटिंग, फिर मैम ने सिखाई थी आपको ध, फिर मैम ने सिखाई थी आपको द, द के बाद थ। किसकी राइटिंग सिखाई थी? ट, थ, ध, द। ठीक है, फिर मैम ने आपको सिखाया था प, प, फ, श और ण की राइटिंग। ठीक है, और उसके बाद मैम ने आपको बताया था त, त के बाद मैम ने सिखाया था आपको न, न की राइटिंग सिखाई थी, ग की राइटिंग सिखाई थी, और मैम ने इससे पहले जो वीडियो सिखाया था उसमें था म की राइटिंग और भ की राइटिंग। इसका मतलब मैम ने आपको कितने लेटर्स सिखा दिए? 30। कितने लेटर्स सिखा दिए? 30। ठीक है, अब आपको इन 13 लेटर्स की डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली आपको इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, डेली इनकी रीडिंग करनी है और डेली इनको रिकग्निशन भी करना है। ठीक है, आज मैम आपको कुछ एक्सरसाइज करवा रही है। ठीक है, आप बोर्ड में ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैम ने हेडिंग लिखी है सही अक्षर पर गोला बना। ठीक है, मैम ने आपको सारे व्यंजन्स बहुत अच्छे से सही मेथड से बनाना सिखाया है, वही चीज मैम ने आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज के रूप में करवा रही है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल पे लिखा है, एक क्लाउड के अंदर लिखा है, कौन सा व्यंजन लिखा है? प। अब आप मैम को बताइए कि पहला वाला व्यंजन सही है कि दूसरा वाला व्यंजन सही है? कौन सा वाला व्यंजन सही है? पहला। तो जो व्यंजन सही है उस पर हम क्या बनाएंगे? सर्कल। क्या बनाएंगे उसमें हम? सर्कल, क्योंकि प हम ऐसे लिखते हैं ना कि ऐसे। ठीक है, ऐसे अब आप देख के बताइए मैम को, ये कौन सा व्यंजन है? म। अब बताइए म ऐसे लिखते हैं कि जैसे ये लिखा है ऐसे लिखते हैं? देख के बताइए मैम को जल्दी से, ये रॉन्ग है ना? ऐसे तो मैम ने नहीं सिखाया आपको म लिखना, मैम ने कैसे सिखाया? ऐसे लिखना सिखाया। तो हम जो सही अक्षर है, सही व्यंजन है, उस पर हम क्या बनाएंगे? स। ठीक है, ऐसे ही श, श, जो श सही है उस पर आप क्या बनाएंगे? स। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे अक्षर में जो व्यंजन की बनावट सही है उसी पर आपको सर्कल बनाना है, और जिसकी बनावट रॉन्ग है, गलत है, उस पर आपको सर्कल नहीं बनाना है। ठीक है, उस पर आपको सर्कल नहीं बनाना। और थ देखिए, थ में ये भी थ है, ये भी थ है, बट मैम ने कैसा ठ बताया आपको? बिग सर्कल बना रहे, एकदम बिग सर्कल बना रहे। और ये सर्कल है? नहीं है ना, इसको हम सर्कल कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये सर्कल है ना? हाँ। तो हाँ, था इस पे सर्कल बना। ठीक है, ये रॉन्ग है, इसको हम सर्कल नहीं कहते, सर्कल इसे कहते हैं। ठीक, और दूसरी मैम ने जो एक्सरसाइज आपको बतानी है वो है चित्र बना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आपको बहुत अच्छा अच्छा चित्र बनाना है। अब ये कौन सा व्यंजन लिखा हुआ? ट। तो ट से आप टमाटर तो बना सकते हैं ना, कुछ भी नहीं है उसमें, जल्दी से क्या बना देंगे? सर्कल। क्या बना देंगे जल्दी से? सर्कल। सर्कल बनाना आता है ना आपको? हाँ। उसके बाद उसकी लीव्स बना देंगे, 1, 2, 3, 4। बन गया टमाटर, कितनी लीव्स बनाएंगे? 4 लीव्स एंड सिंपल सा सर्कल। और फिर दूसरा व्यंजन मैम ने क्या बताया? फ। फ से आप फूल बना सकते हैं ना, बहुत इजी है,
इसमें भी आप पहले क्या बनाएंगे, सेंटर में स्मॉल सर्कल, क्या बनाएंगे सेंटर में स्मॉल सर्कल, ऑफिस के चारों तरफ बिग वन सर्कल, टू सर्कल, थ्री सर्कल एंड फोर सर्कल बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी आती है ना, ये स्टैंडिंग लाइन वन, टू स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ सिर बना देंगे नीज। स्लैंटिंग लाइन भी बनानी आती है आपको, ये बन गया आपका फ्लावर, फूल। कट्टा से टमाटर भी बना सकते हैं आप, फर से फूल भी बना सकते हैं, फर से फल भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो पिक्चर बना के इसमें कलर भी करें। पहले पिक्चर बनाएंगे और फिर पिक्चर में कलर भी करेंगे, ठीक है। देखिए मैम ने आपके लिए कॉपी में वर्कशीट तैयार की हुई है, जो मैम ने आपको बोर्ड में अभी एक्सप्लेन किया, बोर्ड में समझाया, वही मैम ने आपके लिए कॉपी में तैयार किया, ठीक है। आपको सही अक्षर पर गोला बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर चित्र बनाने, किस किस के चित्र बनाने, ट के, म का, म से मछली बना सकते हैं आप, बहुत इजी है मछली बनानी, प से पतंग भी बना सकते हैं क्योंकि आपको ट्रायंगल बनाना भी आता है, और फ से फूल, मैम ने अभी आपको बताया कितनी इजी से आप सर्कल सर्कल बना के फूल बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का आपका क्या है, वन पेज ये वर्कशीट करनी है आपको, और सेकंड पेज मैम ने आपके लिए जो रेडी किया है वो है सिंपल सा व्यंजन का रिविजन, ठीक है। इसमें आपको जितने भी व्यंजन मैम ने सिखाए हैं सबकी राइटिंग करनी है एज ए रिविजन, जिससे आपको सारे व्यंजन अच्छे से लिखने आ जाएंगे। और जब मैं स्कूल खुलेगा ना, तो मैम ने बोला है कि मैम आपका सारा डे वाइज वर्क मैम आपका चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे व्यंजन की प्रैक्टिस, अभी तक मैम ने 13 व्यंजन सिखाए हैं, सारे 13 व्यंजन की प्रैक्टिस डेली करनी है, और मैम जब भी स्कूल खुलेगा आपका पूरा वर्क चेक करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मैम मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।